और वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि नवाज शरीफ की मेडिकल हिस्ट्री बहुत पुरानी है। मेडिकल बोर्ड से तफसीली रिपोर्ट तलब की है। मेडिकल बोर्ड खुद मुख्तार है, कोई सियासी दबाव नहीं। हम चाहते हैं कि इनका इलाज मालजे के लिए हम इनको पाकिस्तान से बाहर लेके जाएं। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने हमें खत लिखा और खत लिखने के बाद उन्होंने कहा कि आप मेहरबानी करके बोर्ड से ओपिनियन ले लें कि बोर्ड क्या कहते हैं। बोर्ड ने वापस एक ओपिनियन दिया कि जी हम ये डिस्चार्ज समरी हमने लगाई हुई है। और मेरा ख्याल डिस्चार्ज समरी तो हर बंदे के पास ही है, ऐसी कोई कुछ छुपी हुई डॉक्यूमेंट तो नहीं है। और सारी डिटेल्स बताई हैं और जो जो टेस्ट होने हैं वो भी बताए हैं और हमने लिख दिया इसको, तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आप जो मुनासिब समझें। मेरे इतला के मुताबिक 12 बजे उन्होंने रिपोर्ट दोबारा बोर्ड कन्वीन कर लिया है और वो बोर्ड में बैठ के ये जो सारे सवाल जवाब हैं जो हमने पूछे हैं और जो मेरा ख्याल आप सारे बहुत सारे भाई भी पूछ रहे हैं और बहनें भी पूछ रही हैं कि कौन से टेस्ट हैं, वो सारा उनसे हमने पूछ लिया है। और पूछने के बाद जब हमारे पास डिटेल्स आएंगी तो फिर उसके बाद हम मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को वो सारी डिटेल्ड रिपोर्ट जब वो आएगी तो फिर भिजवाएंगे। ये इंपॉर्टेंट ये चीज है, मैं खुद एक डॉक्टर होने के नाते, मैं तो डॉक्टर हूँ, जहाँ रिपोर्ट जानी है वहां तो नहीं डॉक्टर बैठे हुए ना। और मैंने जब वो रिपोर्ट पढ़ी तो मेरा ये ख्याल था कि ये नाकाफी है। ये नाकाफी इस वजह से है कि हमें डिटेल्स चाहिए होंगी देने के लिए। हमने किसी किस्म का कोई सियासी दबाव नहीं डाला हुआ किसी के ऊपर। मेरा ख्याल है बोर्ड बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, आप किसी बोर्ड मेंबर से पूछ लें।